मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मुकाबला रोचक हो गया है। राजनेताओं के एक दूसरे पर जुबानी हमले और तेज हो गए हैं। इस बीच एक झटके में देश से गरीबी हटाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सीएम मोहन यादव ने उन्हें घेरा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी के गरीबी दूर करने वाले बयान पर उन्हें घेरते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 70 सालों से देश में कांग्रेस की सरकार थी, कितनी गरीबी हटी बताएं। मनमोहन सिंह की सरकार में सोनिया गांधी ने पीछे से सरकार चलाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकारें चलाई लेकिन गरीबी दूर नहीं कर पाए। अब ये बाबू साहब कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। कांग्रेस की सरकार थी ना मनमोहन सिंह के समय, सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, यूपीए की सरकार चली, वो गरीबी दूर नहीं कर पाई। फिर उसके और पीछे जाओ, 5 साल उनके पापा ने सरकार चलाई, राजीव गांधी की सरकार चली, चली कि नहीं चली, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। और उसके पीछे जाओ, इनकी दादी इंदिरा गांधी ने 17 साल सरकार चली, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। और उसके पीछे जाओ तो उनके भी पिताजी नेहरू जी ने 18 साल सरकार चली, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। और बाबू साहब कह रहे मैं झटके से गरीबी दूर कर दूंगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।